सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में 800 करोड़ से ज्यादा खर्च का अनुमान लगाया गया है। लखनऊ, मुरादाबाद और कानपुर से मूल्यांकन करने के बाद रामपुर पहुंची आयकर और सीपीडब्ल्यूडी की टीमों ने अपना कार्य पूरा कर लिया। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट तैयार है, जिसे शुक्रवार तक आयकर निदेशालय को सौंपा जा सकता है। इसके पूर्व जब सितंबर में आयकर ने छापा मारा था तो एक निजी एजेंसी के संपत्तियों का मूल्यांकन कराया गया था। आयकर सूत्रों के अनुसार उस समय जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से छूट गए थे। इसी माह के 18 तारीख को पहुंची आयकर और सीपीडब्ल्यूडी की टीमों ने दोबारा पूरे जौहर यूनिवर्सिटी की जाँच की। छूट गए 5 ब्लॉक और बाउंड्री को भी इस बार शामिल किया गया। आकलन 800 करोड़ से ऊपर निकल रहा है, जबकि दस्तावेजों में जौहर यूनिवर्सिटी में खर्च कुल 60 करोड़ ही दर्शाया गया है। दोनों टीमों ने यूनिवर्सिटी में कितना पैसा खर्च किया गया, इसका वैल्यूएशन यानी आकलन किया, यानी टैक्स घालमेल 740 करोड़ से अधिक का है। आयकर और सीपीडब्ल्यूडी की टीमों ने मुख्य भवन के निर्माण और फर्नीचर का आकलन कर उनका ब्यौरा दर्ज किया। आयकर की टीमें कानपुर, मुरादाबाद और लखनऊ से भेजी गई थी। आयकर ने सितंबर में आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ये भी पता चला था कि जौहर यूनिवर्सिटी की कई विभागों का 106 करोड़ रुपए लगाया गया है।